गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आईसी इंजन कंपोनेंट्स जो लास्ट लेक्चर में हमारे रह गए थे उनको पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने सिलेंडर पढ़ा था। सिलेंडर जो पोर्शन होता है उसमें पिस्टन स्लाइड करता है, ओके, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है। पिस्टन का काम है, पिस्टन को हम इंजन का हार्ट कहते हैं, और यह कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक से जुड़ा होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड ये हो गया। क्रैंकशाफ्ट ऐसा पार्ट होता है जो रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है और 360 डिग्री का रोटेशन बनाता है। कैमशाफ्ट भी हमने बताया था कि ऐसा शाफ्ट जिसमें कैम्स लगे हों, और ये कैम्स क्या करें, आईसी इंजन के इनलेट एंड आउटलेट वॉल्स को मैनेज करें, कि कब उनके टाइमिंग को मैनेज करें कि कब ओपन होना है किस स्ट्रोक में और किस स्ट्रोक में क्लोज होना है, इस तरह से मैनेज करें। वॉल्स होते हैं आईसी इंजन में, इनलेट वॉल्स होते हैं, आउटलेट वॉल्स होते हैं। इनलेट वॉल्स फ्यूल एयर सप्लाई के लिए होते हैं, आउटलेट वॉल्स जो कंबशन के पश्चात, दहन के पश्चात जो बच जाती हैं रेसिड्यूज गैसेस, उन्हें आउट करने के काम आता है, ओके। अब हमारे यहाँ पर जो पोर्शन छूट गया था वो है फ्लाईव्हील, ओके। अब फ्लाईव्हील को हम देखते हैं क्या होता है। फ्लाईव्हील को हिंदी में उड़न तस्तरी कहते हैं, ठीक है। ये एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो कि इंजन से क्लब होता है। एक व्हील होता है, ये क्रैंकशाफ्ट पे, इंजन के क्रैंकशाफ्ट पे इसको अटैच करते हैं। इसका मेन काम होता है कांस्टेंट टॉर्क सप्लाई करना, कांस्टेंट टॉर्क सप्लाई करना इसका मेन काम है। जब इंजन में पावर जनरेशन ज़्यादा होता है तब यह क्या करता है, उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब इंजन को, जैसे इंजन किसी स्लोप में आ गई, चढ़ाई आ गया, ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ते आ गए जहाँ इंजन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तब यह अब्जॉर्ब पावर में से एक्स्ट्रा पावर्स को रिलीज करता है, ओके। तो फ्लाईव्हील का काम यह है। फ्लाईव्हील जो है वो आप किसी भी ऑटोमोबाइल सर्विसिंग सेंटर्स पे देख सकते हैं। जितना हैवी इंजन होता है उसमें उतना ही लाइट फ्लाईव्हील यूज़ करते हैं हम, और जितना लाइट इंजन होता है उसमें उतना ही भारी हैवी फ्लाईव्हील को हम यूज़ करते हैं, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट है गवर्नर। गवर्नर का काम क्या होता है देखते हैं। देखिए, ये थ्रोटल वाल्व तथा फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है। थ्रोटल वाल्व को आप क्लच समझ सकते हैं। क्लच जो कनेक्ट होता है, क्लच थ्रोटल वाल्व से कनेक्ट होता है। थ्रोटल वाल्व और फ्लाईव्हील के बीच में होता है ये गवर्नर। गवर्नर का काम क्या होता है, जब इंजन पर लोड ज़्यादा होता है तो यह फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है और इंजन स्पीड को बनाए रखता है। और जब इंजन पे लोड कम होता है तब थ्रोटल वाल्व द्वारा फ्यूल सप्लाई को कम कर देता है, जिससे इंजन स्पीड मेंटेन रहती है। अब आपको फ्लाईव्हील और गवर्नर दोनों में ही कुछ सिमिलरिटी लग रही होगी कि ये दोनों तो लगभग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि देखिए, सडन कहीं पे स्लोप आ गया, चढ़ाव आ गया, सडन कहीं पे एक्स्ट्रा पावर जनरेशन की जरूरत पड़ा बाइक को, तो वो फ्लाईव्हील उसको मैनेज कर लेता है, पर थोड़ा देर के लिए मैनेज कर पाएगा। उसके बाद का जो मैनेजमेंट है तब तक गवर्नर हमारा सेट हो जाता है, फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है, या जैसे लोड कम है तो फ्यूल सप्लाई कम कर देता है, ढलान आता है तो फ्यूल सप्लाई कम कर देगा, या जैसे चढ़ाव आ रहा है तो फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देगा। तो आगे के सिचुएशन को फिर गवर्नर मैनेज कर लेता है और इंस्टेंट सिचुएशंस को फ्लाईव्हील मैनेज करता है। नहीं तो जैसे आप बाइक चला रहे हैं, अब अचानक से आपकी बाइक कहीं पर चढ़ाव आ गया, स्लोप ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर का जनरेशन रहता है। तो गवर्नर को तब तक मैनेज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फ्यूल सप्लाई को इंक्रीज करने में, लेकिन तब तक जो एक दो सेकेंड का जो पीरियड होता है उसको फ्लाईव्हील मैनेज कर लेती है, जिससे कि आपको अचानक से कोई झटका नहीं लगता, कॉन्स्टेंट टॉर्क आपको मिलता है। मतलब गाड़ी में इंजन की स्पीड धीरे धीरे करके कम होती है, एकदम अचानक से कम नहीं हो जाती। तो ये फायदा होता है फ्लाईव्हील और गवर्नर के कारण, ओके। अब मैं आपको एक टिपिकल डायग्राम दिखाता हूँ। ये इस डायग्राम को हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था, पर मैं फिर से आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में यह है इनलेट वॉल्व जिससे अपना फ्यूल और एयर अंदर आता है। यह एग्जॉस्ट वॉल्व है जो कंबशन के पश्चात जितने भी रेसिडुअल गैसेस, हीट्स या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, पार्टिकल्स छूट जाते हैं, नैनो पार्टिकल्स छूट जाते हैं, उन्हें बाहर करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इनलेट का मतलब प्रवेश है, एग्जॉस्ट का मतलब निर्गत होता है हिंदी में कहा जाए तो, ओके। देखिए, यहाँ पर ये है सिलेंडर,
ये सिलेंडर, इसको हमने बोला सिलेंडर और ये हुआ पिस्टन। ओके, तो पिस्टन का काम क्या होता है, सिलेंडर के अंदर स्लाइड करना। ओके, तो जो पार्ट एलिमेंट का स्लाइड करता है उसको हम बोलते हैं पिस्टन, या इसको हार्ट ऑफ द इंजन भी कहते हैं, इंजन का दिल कहते हैं। ओके, और ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड जो है, ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये पिस्टन जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट से अटैच होता है। ओके, ये क्रैंक है। क्रैंक का मतलब क्या है, क्रैंक जिस शाफ्ट के ऊपर है उसको क्रैंकशाफ्ट बोल दिए हम। क्रैंक का मतलब है वह मशीन एलिमेंट, वह टूल, वह मैकेनिज्म जो 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, जो पूरा घूम सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरा घूमे, पर उसका मोशन देख कैसा लगता हो हमें कि यह रोटेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, उसका मोशन रोटेशन के जैसा होना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इंजन्स में, ये उसके लिए है। क्रैंक पिन के थ्रू कनेक्टिंग रॉड अटैच होता है, और यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन से गजन पिन के थ्रू अटैच होता है। यहाँ उस चीज को मेंशन नहीं किए डायग्राम में, पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, गजन पिन के थ्रू करते हैं। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर हम कुछ चीजों को कि देखिए, ये मान लीजिए इनलेट वॉल से फ्यूल आ गया और ये क्रैंक घूम रहा है। क्रैंक के घूमने से क्या होता है, पिस्टन जो होता है वो स्लाइड करता है। ये पिस्टन का मूवमेंट ये है। ओके, दिख रहा है आपको, ये पिस्टन का मूवमेंट है। तो क्रैंक हमारा गोल गोल घूमते रहता है, बार बार गोल गोल घूमते रहता है, जिसके कारण पिस्टन हमारा बार बार स्लाइड करते रहता है। इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन या ट्रांसमिशन कहते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं। ओके, जब देखिए ये पिस्टन का सबसे बॉटम पोर्शन है, सबसे नीचे का जगह है, प्लेस है, तो इसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ओके, और जो पिस्टन जहां तक मैक्सिमम पिस्टन पहुंच पाता है उसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। क्योंकि ये जो कुछ एरिया छूट जाता है, इस एरिया क्यों छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे फ्यूल वगैरह को पिस्टन कंप्रेस करता है, तो इस एरिया में फ्यूल्स वगैरह, कंप्रेस फ्यूल्स वगैरह रहते हैं जब पिस्टन कंप्रेस करता है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब देखिए पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी तक होता है, ठीक है। तो एक बार पिस्टन का बीडीसी से टीडीसी जाना हो या टीडीसी से बीडीसी आना हो, इसको बोलते हैं हम एक स्ट्रोक। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए पिस्टन हम आपका टीडीसी पे है, अगर ये टीडीसी से बीडीसी पे आ गया तो इसको बोला जाएगा एक स्ट्रोक, ठीक है, वन स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ हो गया स्ट्रोक का मतलब। ओके, और अगर मान लीजिए पिस्टन टीडीसी पे है और टीडीसी से बीडीसी पे आ गया तो भी उसको एक स्ट्रोक कहा जाएगा, या फिर मान लीजिए पिस्टन बीडीसी पे है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ आ गया तो उसको बोला जाएगा स्ट्रोक, इसको बोला जाता है स्ट्रोक। ओके, तो ये जो एरिया है जिसके अंदर में पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है, अगर पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी में आया तो एक स्ट्रोक, बीडीसी से टीडीसी में गया तो दूसरा स्ट्रोक, टीडीसी से बीडीसी में आया तो तीसरा स्ट्रोक, बीडीसी से टीडीसी में आया तो चौथा स्ट्रोक, इस तरह से स्ट्रोक डिसाइड होते हैं। आपने सुना होगा 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि पिस्टन एक बार ऊपर जा रहा है एक स्ट्रोक का मतलब है, या नीचे आ रहा है, 2 स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन का मूवमेंट एक बार ऊपर गया है एक बार नीचे आया है, 4 स्ट्रोक का मतलब है 2 बार ऊपर गया 2 बार नीचे आया, 6 स्ट्रोक का मतलब है 3 बार ऊपर गया 3 बार नीचे आया। ओके, अब ये जो सिलेंडर का एरिया जो बच गया है जिस पर ये पिस्टन हमारा स्ट्रोक पिस्टन के स्ट्रोक्स हमारे लग रहे हैं, इस एरिया को हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, उसके अलावा हम इसको स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते हैं। देखिए बेसिकली 4 स्ट्रोक माना गया है, 4 स्ट्रोक का मतलब हो गया पिस्टन का 4 मूवमेंट है, 4 बार पिस्टन या तो टीडीसी से बीडीसी या तो बीडीसी से टीडीसी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 2 बार टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है या फिर 2 बार बीडीसी से टीडीसी की तरफ आ रहा है। आपको फिर से क्लियर करता हूँ, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, ऊपर का सबसे टॉप पोर्शन जहां तक पिस्टन पहुंच पा रहा है, बॉटम डेड सेंटर मतलब पिस्टन बॉटम में जहां तक आ पा रहा है उसको हम बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। ओके, अब हम देखते हैं कि सक्शन स्ट्रोक के बारे में देखते हैं। देखिए पहला स्ट्रोक जो माना गया है 4 स्ट्रोक इंजन में वो माना गया है सक्शन स्ट्रोक, जिसको हिंदी में कहा गया चूसन स्ट्रोक, ठीक है। यह स्ट्रोक कैसे काम करता है इसको अब हम समझते हैं। देखिए इस स्ट्रोक के समय में इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, जिससे पेट्रोल एवं वायु का मिक्सचर कार्बोरेटर से इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। यह स्ट्रोक बीडीसी तक गतिमान होता है, मूव करता है। देखिए समझते हैं, सक्शन स्ट्रोक के समय में मतलब पिस्टन के पहले मूवमेंट के समय में यह इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है। इस इनलेट वाल्व के खुले होने से यहां से एयर और पेट्रोल का फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये कब आता है, जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने इंजेक्शन देखा होगा, सिरिंज देखे होंगे,
मेडिकल शॉप्स में, या आपने, आपको डॉक्टर के पास भी आप कहीं गए होंगे, बुखार होगा तो आपको इंजेक्शन लगाया होगा डॉक्टर ने, या आपने उसके साथ खेला भी होगा अपने बचपने में, तो आपने देखा होगा कि आप पानी में इसको रखते हैं, सिरिंज को रखते हैं, और सिरिंज के पिस्टन को जब आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली पानी भरा जाता है ना। तो ये जो पानी जो ये भर जा रहा है या जो मेडिसिन भर जा रहा है, इसको बोलते हैं हम, मेडिसिन के भरने को हम कहते हैं सक्शन बोलते हैं, सक होना कहते हैं, खिंचाना बोलते हैं, चूसण बोलते हैं। ओके, तो पहला स्ट्रोक के समय, पहला स्ट्रोक माना गया सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जो होता है वो टीडीसी में होता है और टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे इसमें फ्यूल भरना चालू हो जाएगा। तो पहले स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव किया और इस कारण सिलेंडर के अंदर वैक्यूम जनरेट हुआ और वैक्यूम के कारण ऑटोमेटिकली आपका कोई भी लिक्विड है या फ्यूल है या मेडिसिन है, जो भी आप समझ रहे हैं, वो चीजें आ गई। अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो हमारा फ्यूल इसके अंदर आ गया, पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो हमारा फ्यूल हो गया पेट्रोल। ठीक है, ये हो गया पिस्टन का पहला मूवमेंट और इसको बोला गया सक्शन स्ट्रोक। ये चालू हुआ टीडीसी से ऊपर से और गया नीचे तक बीटीसी तक। दूसरा स्ट्रोक होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। इस कंप्रेशन स्ट्रोक को अब हम समझते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए, जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है तब इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। ओके, बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच गया ये पिस्टन, जब टीडीसी से बीडीसी आ गया तो पहला स्ट्रोक हो गया सक्शन का। सेकंड स्ट्रोक जो होगा वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ होगा। तो जब पिस्टन बीडीसी में पहुंच गया तो ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है और पिस्टन मूवमेंट, क्रैंक तो आपका घूमते ही रहता है गोल गोल, तो पिस्टन का मूवमेंट भी बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव किया, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव किया तो जो फ्यूल आ चुका है, एयर मिक्सचर आ चुका है, एयर फ्यूल का मिक्सचर, वो कंप्रेस होने लगता है। मैक्सिमम यहां तक पिस्टन पहुंचता है, इस एरिया में आपका कंप्रेस फ्यूल या फिर कंप्रेस्ड जो भी फ्यूल है वो एयर का मिक्सचर है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने से क्या होता है, कोई भी चीज को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी बड़े रूम में अगर 50 लोग हैं, अगर आप उनको एक छोटे से रूम में पैक कर देंगे तो उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है संपीड़न, जगह एरिया का कम होना, तो इस कारण टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसके अलावा प्रेशर, किसी चीज को हम दबा के जब कंप्रेस कर दिए हैं तो उसका प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। इस समय दोनों वाल्व बंद होते हैं जिससे फ्यूल का कंप्रेशन होता है एवं सिलेंडर के अंदर एवं प्रेशर एवं टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के होने के बाद, जब कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग मतलब चिंगारी जनरेट करने वाली प्लग, चिंगारी। ओके, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। तो इस चिंगारी को हम एक यहाँ पे स्पार्क जनरेट करते हैं जिसके कारण कंप्रेस्ड फ्यूल जो होता है वो बर्न हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है। ओके, तो इस फ्यूल के इग्नाइट हो जाने से क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है। ठीक है, इस ब्लास्ट होने के कारण पिस्टन अपने आप टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है। इसे ही कहा गया एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन का मतलब होता है एरिया इंक्रीज होना। ओके, तो ये हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये अपने आप हुआ। जब फ्यूल को हमने बर्न किया तो पावर जनरेट हुआ, इस पावर के कारण पिस्टन ऑटोमेटिकली टीडीसी से बीडीसी तक आ गया। इस कारण स्ट्रोक को बोला गया एक्सपेंशन स्ट्रोक, क्योंकि इसमें एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्लस इसको कहीं कहीं पे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। दोनों ही चीजें कह सकते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी आप कह सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे पावर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पे पावर स्ट्रोक के बारे में। प्रसरण स्ट्रोक इसे हिंदी में कहते हैं। कंबसन के कारण हाई प्रेशर उत्पन्न होता है जो पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की तरफ धकेलता है। फ्लू गैसेस का वॉल्यूम बढ़ता है एवं टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन को वर्क आउटपुट मिलता है जिसे कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को भेजा जाता है। ओके, इसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। द लास्ट फोर स्ट्रोक इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेचक स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन जो है, देखिए, तीन स्ट्रोक आने के बाद पिस्टन आपके बीडीसी में आ गया है तो बीडीसी से पिस्टन अब टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। बीडीसी से पिस्टन अब टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। तो इस स्ट्रोक में क्या होता है, बेसिकली स्ट्रोक में कुछ होता नहीं है, बस जैसे जो भी कंबसन वगैरह हुआ है तो फ्यूल के बर्न होने के कारण जो रेसिड्यूज हैं, जो पार्टिकल्स जो बच गए, छोटे छोटे कण जो बच गए हैं, उसको हम क्या करते हैं, वो पिस्टन का मूवमेंट जब होता है वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो ये सारी चीजें बाहर निकल जाती है, क्योंकि इस स्ट्रोक के समय में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व के खुल जाने के कारण यहाँ से बाकी के पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ओके,
तो इस तरह से आपके चारों स्ट्रोक्स होते हैं। तो पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए सारे इंजन्स में स्ट्रोक सब सेम ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर भेजते हैं और बाद में उसको स्पार्क प्लग से हम इग्नाइट करते हैं। पावर कैसे जनरेट होता है, तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास बारूद है, ठीक है, और इस बारूद को आपने क्या किया, नॉर्मल किसी पेपर में रख के जला दिया तो उससे कुछ पावर जनरेट नहीं होगा, या किसी प्लेट में रख के जला दिया तो कुछ हल्का सा फायर जनरेट होगा और कुछ नहीं होगा। पर अगर इसी बारूद को आपने अच्छे से रस्सी से पैक कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस फॉर्म में किसी टिफिन में रख दिया, किसी डब्बे में पैक कर दिया, जैसे एटम बम्स आपने यूज किए हैं, अगर इस तरह से अगर आपने इस बारूद को पैक कर दिया और उसके बाद आपने इसमें स्पार्क दिया, चिंगारी दी, तो बम कितने जोर से फटता है, समझ गए। तो सेम चीजें इंजन में भी होती हैं। हम फ्यूल को क्या करते हैं, सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में कंप्रेस सक्शन स्ट्रोक में सक करते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस कर देते हैं, फिर चिंगारी देते हैं, तो फ्यूल बर्न होता है सिलेंडर के अंदर, बड़ा ही हाई प्रेशर जनरेट होता है और उसके कारण पिस्टन अपने आप टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है, जिस कारण इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। और आखिरी स्ट्रोक में जो बची हुई चीजें होती हैं वो बाहर हो जाती है। इस तरह से प्रोसेस चलते रहता है, बार बार चलते रहता है, बहुत ही स्पीड से चलते रहता है, सेकेंडों में ये चीजें होती हैं। तो इस तरह से आपका 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है। देखिए एक बार यहाँ पे आपको एक पोजीशन आपको दिख रहा है 4 स्ट्रोक पिस्टन पोजीशंस के, कि इनलेट वाल्व ओपन है यहाँ पर और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया है। सेकंड केस में दोनों वाल्व बंद हैं और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया कंप्रेशन में। थर्ड स्ट्रोक में स्पार्क प्लग से जब हमने इसको बंद कर दिया तो ये पावर स्ट्रोक लिख दिया मैंने, से एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें सेम है। तो इस समय भी दोनों वाल्व बंद होते हैं और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है। और आखिरी स्ट्रोक में पिस्टन अब पावर जनरेट हो गया इंजन में, तो जब पावर जनरेट हो गया तो फिर सारी चीजें अपने आप होने लगती है। उससे पहले फर्स्ट स्ट्रोक के समय में हमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए या तो स्पार्क प्लग या तो किक मारना पड़ता है, तभी हमारा इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि एक बार पावर जनरेट हो जाता है तो ये साइकिल बार बार चलते रहता है। ओके, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है, यहाँ द्वार खुला होता है, निर्गत द्वार खुला होता है, ओपन होता है, यहाँ से चीजें निकल जाती है। तो यह है आपका 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन का वर्किंग। और नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी इंजन के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर, आपने इतने ध्यान से इसको सुना है, कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारे वीडियो जूम की क्लासेस में हम इसको पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।